कम रहे हैं। सही है। उसके बाद एक पैसा आता है आपके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट हो, आप अच्छे सिंगर हैं, अच्छे बॉक्सर हैं, अच्छे डांसर हैं, अच्छे क्रिकेटर हैं, अच्छे एक्टर हैं, उससे भी अरबों रुपए कमाए जा सकते हैं। यस या नो? क्या हमारे में किसी में है? No. नहीं है। तीसरा पैसा आता है कि आपके पेरेंट्स आपके लिए धन छोड़ के गए हो, आपके लिए दो चार सोने की ईंट छोड़ गए हो, छोड़ गया है। आते तो तुम्हारे में से ये कहते बापू से बोला अच्छी जिंदगी नहीं दे सकता था तो पैदा क्यों किया। यस ये तीन जगह से पैसा आता है भाई साहब। क्या हम उन तीनों में फिट हैं क्या? नहीं है। अब क्या करें? देखो अंकल जी बड़ी जल्दी समझ के बोलो यही सही है। अब आप मुझे बताओ जो अंकल जी की उम्र है इस पे तो भारत सरकार भी टार कर देती है ना, ये कुछ कर सकते हैं कहीं? अरे कोई जगह देगा दुनिया में कोई जगह दे पैसा देगा क्या? लेकिन मैं गारंटी देता हूं ये दुनिया छोड़ने से पहले करोड़पति बन के जा सकते हैं। क्योंकि यहां करना क्या है, सक्सेस होने का एक ही फॉर्मूला है, हिंदी में बात करना, लोगों से मुलाकात करना और लाइन में बने रहना है, लाइन नहीं तोड़ना। वैष्णो माता में गई हो ना, चढ़ने के बाद भी एक लाइन मिलती है, वहां पर होती है उस लाइन में माता वहां से भी नहीं दिखती, माता ये गुफा में दिखती है क्या? फिर भी हमें यकीन होता है कि ये जो लाइन लगी हुई है ये लाइन माता जी तक लगी हुई है। जैसे जैसे ये लोग रात अपना दर्शन करते हुए निकल जाएंगे एक दिन मेरा भी नंबर आएगा, यही विश्वास होता है या नहीं होता? लेकिन भाई साहब लाइन में लगने से दर्शन नहीं होंगे, कर्म भी करना पड़ेगा। आगे वाला दो कदम चलता है तो आपको भी दो कदम चलना पड़ेगा, चाहे आप कितने भी थके हुए, कितने भी पैर में दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, इतने ऊंचाई पर चढ़ के गए, लेकिन आप दो कदम नहीं चले तो पीछे वाला एक दो बार मौका देता है, वो कहेगा भाई साहब चलो, अरे भाई साहब चलो, आपको भाई साहब मेरे से नहीं चला रहा, थोड़ा साइड हट भाई, अपने नहीं हो रहा, अपने को जाना है। बोलता या नहीं बोलता? इसका मतलब भाई साहब लाइन में लगे रहने से काम नहीं होगा, आपके आगे वाला जो काम कर रहा है उतना काम तो आपको करना ही पड़ेगा। सही है। और अगले वाला कोई अंग्रेजी तो बोल नहीं रहा, ना कोई मैथ का फॉर्मूला लगा रहा, सिंपल साहब भाई साहब नकल करनी है, वो जैसे जैसे पैर उठाता वैसे वैसे तुम रखते जाओ, जैसे उसे दर्शन मिल रहे तुम्हें भी मिल जाएंगे। यस ऐसे असली पैसा लगे सर, यहां भी कुछ नहीं करना, यहां अपना दिमाग लगाना ही नहीं है भाई साहब, अपना जो बोलता है वो करते जाओ करते जाओ करते जाओ, और बीच में जैसे ही मौका मिलता है अपने अपलायन से सीखते जाओ सीखते जाओ, और करोड़ों और वो कब कमा जाओगे आपको पता ही नहीं लगेगा। ऐसा सिस्टम है, सिंपल काम। लेकिन हमें कुछ चीजें पढ़ाई गई है दुनिया में, उन चीजों के बारे में मैं आपसे बात करना चाहूंगा। आगे करो सर, आगे सोचो, चलते रहो और चलो 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 और चलो। ये तो सारे हो गए होंगे ना आपके, चलो चलो आगे चलो और चलो आगे चलो, बस पीछे पीछे। हाँ, दुनिया का सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति एलन मस्क, वो ये कहता है कि किताबों में जो पढ़ाया जाता है वो जिंदगी में 1% काम आता है, लेकिन जिंदगी जो सिखाती है वो 99% काम आता है। आपको पढ़ाई में सिखाया गया होगा त्रिकोण षटकोण समकोण, ये काम आता है? अरे आता है क्या? जो नहीं पढ़ाया गया वो हर जगह काम आता है, और वो क्या होता है? क्या होता है? दृष्टिकोण। दृष्टिकोण का मतलब क्या होता है? नजरिया। नजरिया क्या होता है? नजरिया। नजरिया, यदि आपका नजरिया किसी चीज के लिए पॉजिटिव नहीं है
तो दोस्तों आप कभी सक्सेस हो ही नहीं सकते। सही है। नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है कि इंसान जब भी किसी के पास कंपनी लेके जाता है तो एक शब्द पक्का यूज करता है, और भाग गई तो यस मन तो मेरा भी करता है उससे कुछ कहने का, लेकिन कहता नहीं हूं। मैं कह सोचता हूं उसे, कहूं यार बच्चे पैदा मत करना, तेरी लड़की भाग गई तो वो भी भागती किसी की। अरे ऐसे आनो तो एक भाग गई तो हम बच्चे पैदा ना करें। हाँ भाई अरे कंपनी, मैं मानता हूं कंपनी खराब होती है, लोगों को बचाती है, लूटती है, सब काम होते, आई एग्री विद यू, लेकिन यार कुछ कंपनियां अच्छी भी होती है या नहीं होती, कुछ लड़कियां अच्छी भी होती है या नहीं होती। तो फिर हर चीज में हम ऐसे कर सुबह भाग गई तो है? एक स्कूल में बच्चा फेल हो गया तो स्कूल खराब है या बच्चा खराब है? है जी, फिर हम ऐसे कैसे सोच लेते ना, मैं नहीं पढ़ाऊंगा भाई उस स्कूल में, उसमें तो लड़का बदमाश बन गया। ऐसा होता है क्या? कंपनियां खराब होती हैं दोस्तों, मानते हैं इस बात को, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारी कंपनियां खराब होती हैं। किसी के कपड़े पहन रहे हैं आप, टाई बांधी हुई है, पेन यूज कर रहे हैं, मोबाइल यूज कर रहे हैं, बाइक यूज करते हैं, गाड़ी यूज करते हैं, ये तुम्हारे घर बनती है या किसी कंपनी में बनती है? अच्छा पुलिस किसके लिए बनाई है? चोरों के लिए, समाज के लिए? ऐसा नहीं हो, चोर कभी खत्म हुए? चोरों के लिए ताली बजाओ एक बार। पहला व्यक्ति हूं मैं चोरों के लिए ताली बजवा रहा हूं। यस आनो, दोस्तों में क्यों बजवा रहा हूं उसका एक रीजन, हिंदुस्तान में नहीं वर्ल्ड में आपको कान बनने वाले इंसान के पास नहीं बैठना है, बेशक चोर के पास बैठ जाना, क्योंकि कान भरा हुआ यह व्यक्ति जिंदगी बर्बाद कर देता है। लेकिन चोर वर्ल्ड में चोरों की वजह से अरबों खरबों रुपए का रोजगार मिलता है, ताले बनते हैं। कोई ऐसा घर झोंपड़ी से लेकर के 5 स्टार 7 स्टार तक कोई होटल है जिसमें ताला ना हो? अरे है या नहीं? किसकी वजह से? कुत्ता बिल्ली बंदर के लिए किसी ने ताला लगाया क्या? किसके लिए लगाते? आएगा या नहीं आएगा पता है क्या? लेकिन ताला तो बनता है। यस हमारे तो डिस्ट्रिक्ट इसमें चलती है अलीगढ़, वैसे ताले हैं या नहीं? तो भाई साहब हमारे यहां तो बहुत रोजगार मिलता है, तो हम तो चोरों को बड़ा प्यार करते हैं। हम कान बनने वाले के कान में बात ले, चोर से प्यार कर लेते हैं, क्योंकि उसकी वजह से किसी को रोजगार मिलता है, उसकी वजह से किसी का घर चलता है। यस आनो, जिंदगी में दृष्टिकोण सही होना चाहिए, और दृष्टिकोण मैं ऐसे नहीं कह रहा कि आपको किसी की बात ऐसे ही मान के दृष्टिकोण सही होना चाहिए, आंखों से देखकर और कानों से सुने पर विश्वास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हमारे माँ बाप ने, पूर्वजों ने, टीचरों ने सिखाया है कि बेटा अपने कानों से सुने पर और आंखों से देखे पर तो विश्वास करना। यस तो आप, मैं दिख रहा हूं आंखों से, मैं टीवी से बोल रहा हूं क्या? अरे भाई किसी को सके तो टच करके देख लो। हाँ भाई लाइव हूं आपके सामने, तो अपनी आंखों से आप मुझे देख रहे हैं और कानों से लाइव सुन रहे हैं, तो आपका दृष्टिकोण पॉजिटिव होना चाहिए कि एक कच्चे घर का लड़का आकर के यहां पर आज 20-25 लाख रुपए महीने कमा सकता है, तो मैं भी कमा सकता हूं। ओके आज के बाद एथलीट्स के बारे में कोई गलत बात बोलता है ना, तो भाई साहब रिप्लाई देना है। सही है, ऐसे नहीं छोड़ना है कंपनियां। मैं मानता हूं सब चीज होता है दुनिया में, आप बताओ हमारे समाज में लड़के लड़कियां भी भाग जाते हैं या नहीं भाग जाते? आपकी लड़की के बारे में कोई ऐसे बोले तो आपको कैसा लगेगा? पर आपकी कंपनी के बारे में आपको कोई बोलता आपको बुरा क्यों नहीं लगता? लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? बसते पहले उसे समझ में आना चाहिए कि हम बात क्या कर रहे हैं। यस आज के बाद ये प्रण करो दोस्तों, एथलीट्स पहले दुनिया की सबसे बेस्ट कंपनी है, एथलीट्स के प्रोडक्ट दुनिया के सबसे बेस्ट प्रोडक्ट हैं, हमारा प्लान दुनिया का सबसे बेस्ट प्लान है, हमारा फाइटर सक्सेस सिस्टम दुनिया का सबसे बेस्ट सिस्टम। आप बताओ जो सिस्टम 7 साल में हर वीक में 65 लाख और 3 करोड़पति दे सकता है, तो 18 साल बाद मुझे ऐसा लगता है
कि एक वीक में 65 करोड़पति पैदा हो रहे होंगे। और वो कौन होंगे? अरे आप ही तो होंगे, आप ही पाइपलाइन में होंगे या नहीं होंगे? तो भाई साहब जरूरत है, लाइन से हट गए तो भाई साहब धक्का भी नहीं मारता कोई, लाइन में रहोगे तो धक्का तो मार देगा। पिक्चर देखने गए हो कभी? जब हाउसफुल मूवी होती है, आजकल तो ई टिकट का जमाना आ गया, जब पिक्चर हाउसफुल होती है, जब लाइन में लगे होते हम, तो जब ज्यादा भीड़ होती है तो लाइन में आप नहीं चलते, और ही कोई चलाता है। यस, नेटवर्क मार्केटिंग में भी ऐसा बहुत बार होता है, आप नहीं चलते, आपका अपलाइन या आपका डाउनलाइन आपको सोने नहीं देता, बैठने नहीं देता। चलो ना सर, आप लाए थे सर, चलो ना सर, अपलाइन आएगा। गुरु जी चलना यार, क्यों परेशानी? मैं इतनी सहायता करता हूँ, पता क्या प्रॉब्लम है? मैं पैसे दे देता हूँ, तेल के देता हूँ, खाना खिलाता हूँ, करता या नहीं करता? इतना तो तुम्हारे घर का, तुम्हारा खुद का बाप इतनी मन्नत नहीं करता जितना अपलाइन और डाउनलाइन कर लेती है। सही है? तो क्या सही रखना हमें? आवाज नहीं आई, क्या रखना है? दृष्टिकोण। नेक्स्ट, शिक्षित होना अनिवार्य नहीं है। मैं ये नहीं कहता दोस्तों को हमें पढ़ाना नहीं है, अपने बच्चों को पढ़ाना है। किताबें हमें इस दुनिया से रूबरू कराती है, वर्ल्ड क्या है, हम क्या है, हमारा शरीर कैसे चलता है, हम खाते कैसे, पचता कैसे है, आविष्कार कैसे होते हैं, ये सारी चीजें किताब ही सिखाती हैं। यस, यस, सभ्यता का पाठ भी हमें किताब ही पढ़ाती है। एक दूसरे से बढ़िया तरह से इंट्रोडक्शन करना किताब सिखाती है। किताब हमें ज्ञान देती है, लेकिन किताब का मतलब सक्सेस नहीं होता। यार किताब का मतलब सक्सेस होता तो गीता भगवत तो बिल्कुल नहीं पढ़ी है। यस, हजारों लोग हमारे देश में ऐसे हैं। कोटा का एक लड़का है जिसका नाम है भोजराज गौचर, अनपढ़ व्यक्ति है, नाम लिखना मैंने सिखाया था। सही है? एक दुकान पर सेल्समैन का काम करता था, वो दुकान से बात हुई कोटा में, आया हमारे साथ, बोला था मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूं। मैं कि कोई बात नहीं, नाम लिखना हमने सिखाया, और प्लान उसे रटा दिया। सेल्समैन था वो, तो 2 साल में यहां से सफायर बनाए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, दुनिया में कोई भी ऐसे पढ़े लिखे लोग हैं जो अनपढ़ इंसान को 45,000 रुपए महीने की सैलरी दे सके? अरे दुनिया में कोई कंपनी 45,000 रुपए का जॉब देगी क्या? दे सकती है क्या? देती है, एसटीपीएस वेलनेस देती है। आज 2 साल में 15 लाख रुपए आए, 7.5 लाख रुपए साल के हिसाब से आप अंदाज लगाएं, तो एवरेज 45-50-60 हजार रुपए आते हैं या नहीं आते? आपको भी आ सकते हैं। तो हमें कभी भी ये कंपेयर नहीं करना है कि भाई साहब पढ़ा लिखा ज्यादा होना ही सक्सेस की निशानी है, प्लेटफॉर्म बड़ा होना सक्सेस की निशानी है। प्लेटफॉर्म बड़ा होना, आप बताओ डांस इंडिया डांस में कोई बच्चा जाता है, उसे कहीं पूछा जाता है डिग्री क्या थी, कौन सी क्लास में पढ़ रहा है, क्या पूछते हैं, पैर कैसे थिरकते, डांस कैसे करता है? यस, गाना गाने जाता है कोई, गाना गाने में जब बच्चा जाता है तो क्या उससे कुछ एजुकेशन पूछी जाती है? क्या पूछा जाता है? सुर कैसे लगता है? यस, और एक बार सेलेक्ट हो जाता है तो अरबों रुपए कमाता है या नहीं कमाता? यस, तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि हमें अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना है, ऐसा नहीं है कि हमें शिक्षा से मुंह मोड़ना है, मेरा ऐसा कोई संदेश नहीं है। लेकिन हम जो लोग हैं, हमारे देश में 80% जो पॉपुलेशन है जिसके पास बड़ी डिग्रियां नहीं है, उनको घबराने की जरूरत नहीं है। एसलीपीएस पहले से एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर एक अनपढ़ व्यक्ति भी 100 करोड़ रुपए कमा सकता है। सही है? मैंने अभी आपको बताया, यहां पर अकल वाला व्यक्ति नहीं चाहिए। सभी सक्सेसफुल लोग अकल लगाते हैं या नकल करते हैं? कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए, साइंटिस्ट कभी नकल नहीं करता, वो अकल लगाता है। आविष्कार नकल से नहीं होते, अकल से होते। यस या नो? यस। लेकिन हम उसके लायक नहीं है ना, है क्या?
अरे हमारा साइंटिस्ट की कैटेगरी में कोई नंबर है क्या? हम एडिशन नहीं है, बल्ब नहीं बना सकते, रॉकेट नहीं बना सकते, हम एक काम कर सकते हैं क्या? क्या नकल करना है। आप वो प्रभु सर जैसे बोलते हैं, आपका जो भी अप्लायन है वो सैनी जी जैसे बोलते हैं या वर्गीस सर बोलते हैं या जांगरी जी बोलते हैं, आपको सिर्फ नकल करना है। क्योंकि भाई साहब जहां तक ये पहुंचे हैं वहां तक तो आपको पहुंचा ही सकते या नहीं पहुंचा सकते? अरे प्रभु सर ने यहां से 3 करोड़ रुपए के आसपास कमाए तो ये 3 करोड़ तक पहुंचा सकते हैं या नहीं भाई साहब? इतना एक्सपीरियंस है या नहीं है? आपको यहां से दिल्ली तक का रास्ता पता है, यस? और आपकी गाड़ी में मैं बैठ जाऊं तो आप दिल्ली पहुंचा देंगे या नहीं? इतनी छोटी सी बात समझनी है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है? सिस्टम में बने रहोगे, बड़े बनने में समय नहीं लगेगा, अकेले चलोगे बड़े नहीं बनोगे। ओके, नेक्स्ट। यहां पर भक्त नहीं शिष्य चाहिए, भक्त चाहिए, सॉरी शिष्य नहीं चाहिए। शिष्य में और भक्त में क्या फर्क होता है ये आपको हमारे इतिहास बताते हो। आपने देखा होगा भगवान श्री राम का एक भक्त हुआ था हनुमान, यस? हनुमान जी MBA किए हुए थे। हाँ मैं बताऊं आपको, MBA किए हुए थे हनुमान जी। हनुमान जी को गैर चलते हुए श्री राम मिले, कोई जान पहचान थी क्या भाई साहब? लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी भगवान श्री राम ने हनुमान जी को दी अपनी बीवी की खोज करने की, यस? उनको नहीं पता कैसे जाना, कहां जाना, क्या तकलीफ आएगी। उनको बोला भाई तुझे लंका जाना है, बोला जय श्री राम, चल दिए। रास्ते में कोई ऐसी राक्षसनी थी जो पानी में देख करके उसका शिकार कर देती, वो अपने अंदर ले गई, नाक में हो गए, पता नहीं कहां कहां हो गए, कैसे कैसे निकले ये वही जानते हैं। कॉल किया राम जी को, क्या बोल महाराज फंस गया मैं तो? अरे किया क्या? नहीं किया। सारी समस्याओं का समाधान खुद करते हुए चले गए, लंका में पहुंच गए। लंका में पहुंचने के बाद माता सीता की खोज भी कर ली, लेकिन मैंने कहा हनुमान जी MBA क्यों हुए थे? मिनिमम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट देने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने कहा यहां आ तो गया, सीता मैया का पता भी लग गया, लेकिन मैंने वो तो देखा ही नहीं जो सीता मैया को लेके आया था। फिर मैं पूरी फीडबैक कैसे दूंगा राम जी को? क्यों सर? उन्होंने जानबूझ करके वाटिका को उजाड़ा, राक्षसों को मारा, और इतना मारा कि उन्हें नॉर्मन के हाथ में ना, उन्होंने अपना पुत्र भेजा रावण ने इंद्रजीत मेघनाथ को बांध के ले गया। हनुमान जी को बांध सकता था क्या कोई? बंद के जाते जान हुई कि बोला चल भाई देखना मुझे तो तू। उनका प्लान था, वहां गए सोफा पड़े हुए तो रावण के बैठ सकते थे, लेकिन नहीं बैठे। अपनी पूछ का आसन बनाया और सामने बैठे रावण के, जिससे गुस्सा आए। क्या है? जब वाद विवाद हुआ, रावण को गुस्सा आया, तो भाई साहब उसने कहा इसकी पूछ में आग लगा दो। तो भाई पूछ में जो कपड़ा बांधा गया था वो किसका था? तेल डाला गया था वो किसका था? जली किसकी? इसे कहते हैं MBA किया हुआ स्टूडेंट। कपड़ा उसका, तेल उसका, पूरी लंका उसकी जला करके पूछ बुझा कर गया। और भगवान श्री राम को सारी रिपोर्ट दी, बोला महाराज घबरा मत, मैं ही वहां पर इतना आतंक मचा के आ गया, सीता भैया आ जाएगी। यस जानो, फिर दोबारा जरूरत पड़ी, बोला भाई संजीवनी बूटी लाने, बोला जय श्री राम। वहां पहुंच गए, जाकर के समझ में नहीं आ रहा संजीवनी बूटी कौन सी है, लौट के भी आ सकते थे महाराज, पता ही नहीं चला कौन सी है। यस, लौट के आए थे क्या? पूरा मेडिकल स्टोर उठा लाए, पर्वत उठा लाए, बोला भाई ये देख लो कौन सी है। सलूशन, इसका मतलब क्या है? सलूशन दो, ऑब्जेक्शन मत दो। यस, इसे बोलते हैं भक्त। शिष्य कैसा होता है? भगवान श्री राम के अवतार भगवान श्री कृष्ण हुए द्वापर में, और उनका एक शिष्य था अर्जुन, उनका मित्र भी था, रिश्तेदार भी था, भाई उसी की भतीजी उसके लिए थी। ऐसा लो, और जितनी भी तपस्या की अर्जुन ने, वन में गए, लाक्षाग्रह में गए, जो भी कांड हुए दोस्तों, क्या अर्जुन जानता नहीं था कि युद्ध होगा? अरे जानता था या नहीं?
जब महाभारत का युद्ध होता है तो बीच में आकर हथियार डाल देता है, बोला मैं नहीं लड़ सकता। यस, भगवान श्री राम के वो थे अवतार कृष्ण। जब कहते कृष्ण भाई द्रोणाचार्य को मारते नहीं तो तू जीत नहीं सकता, बोला महाराज मेरे गुरु जी हैं, कैसे मार दूं। यस, फिर लॉजिक देते थे, भीष्मिता मैं को मारते, जयद्रथ को मारते, इसको मारते, भाई ये चाचा है, मामा है, ताऊ है, भाई है, गुरु है, ऐसे हजारों प्रश्न अर्जुन ने किए या नहीं किए। दो तो इतनी लेकिन किंतु परंतु की कि भगवान श्री कृष्ण को गीता लिखनी पड़ी। यस, अंत देखो, आज जो भक्त था हनुमान उसका हर गली में हर शहर में तो मंदिर मिल जाता है या नहीं मिलता। आपने कहीं अर्जुन का मंदिर देखा देखा है क्या? दो जो गुरु अपने शिष्य पर सही तरह से कृपा कर देना तो उसको भगवान बना देता है, और जो बनने के लिए तैयार ना हो वो पैरों में रहता है। आपका गुरु यहां पर एक कारीगर है। आपसे पूछता हूं, जो आदमी मूर्ति बनाना जानता है उसके हाथ में हथौड़ा और छेनी है, वो किसी भी पत्थर में से मूर्ति बना सकता है या नहीं बना सकता? बना सकता है या नहीं बना सकता? लेकिन वो पत्थर ये सोच रहे मुझे इससे नहीं बनना, तो टूट जाएगा, बिखर जाएगा, तो पैरों में ही रहता है, पूजा नहीं हो सकती। इसलिए यहां पर भक्त बनना है, शिष्य नहीं बनना है। भक्त बनोगे तो पूजा होगी, जैसे हनुमान जी की होती है। हमें गुरु जी ने बोला कि बेटा ऐसे ऐसे काम करना, ऐसे ऐसे करना। जिंदगी मैंने तो सर कुछ अपनी जिंदगी में किया ही नहीं, जो करते सर करते, और उनका प्यार इतना है आज कि जिस भी शहर में जाए आप जैसे भाई खूब प्यार देते, खूब सम्मान देते, हाथ मिलाते, ताली दे जाते, और हमें चाहिए क्या? पैसे तो ऐसे भी दे देती। सही है? तो यहां पर अपना कुछ नहीं लगाना है, समझ के जाना है। समझदार व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस होता है, मोटिवेशन काम नहीं आता। मोटिवेट हम होते तो हमारे मां बाप ने हमें कम मोटिवेट किया था क्या? भाई बचपन में जैसे ही 4 साल के हम हुए तब से लेकर के 20 साल तक मां बाप मोटिवेट ही तो कर रहे थे या नहीं? फिर हमने अपने मां बाप की नहीं मानी तो फिर और की मान सकते हैं क्या? नहीं मानते ना। इसलिए आज मोटिवेट नहीं होके ला करके समझदार होके जाना है, समझ के जाना है कि हम इस काम को कैसे बढ़िया तरह से कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, विटामिन बी। यह सबसे बड़ी विटामिन है सक्सेसफुल की। विटामिन बी का मतलब होता है नंबर वन बेसमेंट बनना। क्या बनना? बोलो दोबारा, आज तो बोल ही नहीं रहे। अरे पान खा के बैठेगा, तुम यही नहीं बोलोगे तो फिर वहां कैसे बोलोगे? नंबर वन बेसर। हाँ, हंसना नहीं भाई साहब, यही काम आएगा आपका। तो इस काम को आप ही करते। जो जो व्यक्ति इस काम को करता है वही बड़ा है, जो व्यक्ति इस काम को नहीं करता वो बड़ा नहीं बनता। आम दुनिया में आपको पता है विटामिन बी सबसे ज्यादा किसके अंदर होती है? नेता और अभिनेताओं के अंदर। नेता जी है तो नहीं कोई बाहर जाके बोलो बड़ा कर रहा था, जरा बुरा मत मानना। दोस्तों जब चुनाव होते, जब नेताजी चुनाव होते हैं उस टाइम उसके हाथ ऐसे चिपके होते हैं जैसे फेविकोल से चिपकाए गए हैं, खुलते नहीं है। यस, किसी भी घर में, गांव में, शहर में, गली में जब पानी बह रहा है गंदगी उसमें भी जाता है। किसी भी धर्म की, किसी भी कास्ट की लेडीज होती है जाके पैर छूता और कहता है अम्मा आशीर्वाद दे दे तेरा बेटा जीत जाए। यस, वो दे भी देती है और वो जीत भी जाता है। लेकिन जब वही मां उसके घर पर, उसके दरवाजे पर उससे कुछ फरियाद करने जाती है ना तो पहचानने से निकाल कर देता है। यस या नो? आप जिनको अपना आदर्श मानते हैं, अभी यहां पर सलमान खान आ जाए या कैटरीना कैफ आ जाए और आपको सेल्फी लेने का मौका मिले तो आप मेरे पास नहीं कहेंगे, गारंटी इस बात की आप वही जाएंगे। यस, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं,
आपको कहा जाए कि भाई जयपुर के चौराहे पर आपको काला मुंह करके गधे पे बैठ के निकलना है, मैं 50,000 रुपए दूंगा, क्या आप में से कोई निकलेगा? लेकिन इसी पैसा कमाने के लिए सलमान खान सुल्तान पिक्चर में काला मुंह करके गधे पे बैठ करके निकलता या नहीं निकलता? इसके लिए किसके लिए? आमिर खान पीके पिक्चर में अपने लड़का, उसका खोड़ा एक्टर है, अपने लड़के के सामने रेलवे ट्रैक पर नंगा खड़ा होता है या नहीं होता? किसके लिए? किसके लिए? आपको कहा जाए तो नहीं नहीं खानदान की रुक जाएगी साहब। यस, बड़ी लड़कियां अमिताभ बच्चन सती का महानायक, सारी पहन के लिपस्टिक लगा के गाना गाता है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम, गाता या नहीं गाता? किसके लिए? किसके लिए? आपको साड़ी पहनने के लिए बोल दिया जाए, ओहो भाई साहब ऐसा लगेगा क्या बोल दिया, कोई कोई तो मार दे। यस, लड़कियां सोचती है काश में कैटरीना कैफ होती, आलिया भट्ट होती, माधुरी दीक्षित होती। अब घर में बैठते ईमानदारी से बताना, आज पिक्चरों में ऐसे ऐसे सीन फरमाए जाते हैं जिनको हम टीवी पर अपने परिवार के साथ बैठ कर देख नहीं सकते। यस, किसके लिए? अरे ऐसा नो, पैसे के लिए। हमारे साथ हो सकता है वो आपके सेलिब्रिटी हो, आपके हीरो हो, मेरी नजर में तो मेरे जूते की नोक की बराबर है, मेरे सेलिब्रिटी ये है। सेलिब्रिटी बनने के लिए ना आपको काला मुंह करना है, ना नंगा होना है, ना कोई सीन देना है, ना साड़ी पहननी है। पूरी जिंदगी इन्हीं कोट पैंट में जेंटलमैन बनाकर रखूंगा, सिर्फ भरोसा करना अपने भाई। सही है दोस्तों, आपको क्या लगता है ये जो हम काम कर रहे हैं, आप मेरी बात का यकीन करना, एसलीपीएस ज्वेलर्स में वो लोग आते हैं जिनके 7 जन्मों के पुण्य जुड़ते हैं ना, वो एसलीपीएस ज्वेलर्स में ज्वाइनिंग लगती है उसकी। क्यों? मैं प्रमाणित करता हूं। आप बताओ मेरे बारे में कोई खानदान में सोचता होगा कि करोड़पति बन सकता है? प्रभु सर के बारे में सोचता होगा क्या? मुझे ऐसा लगता है हम सब जिन परिवारों से बिलोंग करते हैं, हमारा गांव छोड़ो शहर तहसील भी मिलके कभी ये कल्पना नहीं कर सकता कि ये बंदा भी करोड़ों रुपए कमा सकता है। यस, हमारे परंपरा चली आ रही है खानदान में, हर बाप अपने बेटे की तरफ देखता है, ये मेरा नाम करेगा। यस, उसका हो जाता है फिर बोला ये करेगा, उसका हो जाता है ये करेगा, ऊपर से चला रहा है ये करेगा ये करेगा ये करेगा। अरे करेगा कौन? किसी एक को तो पैर निकालना पड़ेगा भाई साहब। अरे ऐसा नो, और उस काम के लिए 7 जन्मों में कोई एक व्यक्ति होता है जिस पर परमात्मा की असीम कृपा होती है, जो खानदान की हिस्ट्री बदलने के लिए पैदा होता है, और वो आप लोग हैं। क्यों है, क्यों आपको ये जन्म, मतलब 7 जन्मों के बाद मिला, मैं बताता हूं। ऐसा नहीं है पैसा और लोग नहीं कमाते, कमाते हैं। धोनी ने बहुत पैसा कमाया है, विराट कोहली ने बहुत कमाया, अमिताभ बच्चन ने बहुत कमाया, शाहरुख खान ने कमाया है, बड़े बड़े लोगों ने पैसा बहुत कमाया है। लेकिन दोस्तों वो इंडिविजुअल अचीवमेंट है। धोनी ने पैसा कमाया झारखंड के बच्चों के लिए, क्या किया? सचिन ने बहुत कमाया महाराष्ट्र के बच्चों के लिए, क्या किया? अरे पढ़ा दिया होंगे 10-20, ये मान लेता हूं दान कर दिया होगा। अमिताभ बच्चन अपने जैसा अमिताभ बच्चन बना पाया? जो खुद के बच्चे को अपने को सक्सेस नहीं करा पाया, वो दूसरा अमिताभ बच्चन कहां बनाएगा? यस, सुनील गावस्कर अपना जैसा कोई बना पाया? खुद के बच्चों को इंडिया की टीम में सेलेक्ट नहीं करा पाया,
मैं तो ना अपने जैसा अपने बच्चे को अपने जैसा बना पाया? अरे बना पाया क्या? इन लोगों ने अरबों रुपए कमाए हैं यस, लेकिन दोस्तों हमने अरबों रुपए नहीं कमाए। मैंने यहां से 13-14 करोड़ रुपए जो कमाए हैं, लेकिन मेरे 14 करोड़ों में कितने करोड़पति बने हैं और कितने लखपति बने हैं, कितने लग्जरी गाड़ियों में बैठे हैं, ये छुपा हुआ नहीं है, आप सब जानते हैं। उसे बोलते हैं इंडिविजुअल अचीवमेंट और हमारी को बोलते हैं सामाजिक अचीवमेंट। हमने अपने हाथों से पता नहीं कितनों के दुख दूर किए, कितने लड़कों को हजारों रुपए वीक कमाते, लाखों रुपए वीक कमाते, आते या नहीं आते? अरे आते या नहीं आते? अभी तो इश्ता वहां पर अमिताभ बच्चन ने मसली दी तो किसी अपने वाले को मसली दिलवाई? वहां विराट कोहली ने भाई साहब 5 करोड़ की, 10 करोड़ की, 50 करोड़ की गाड़ी ली, क्या किसी और को दिलवाई? अरे दिलवाई। लेकिन दोस्तों मैंने यहां पर जगवार ली तो सर प्रभु सर ने जगवार ली, भंडारी जी ने फॉर्चुनर ली, महेश पंत ने जगवार ली, मेरी टीम में जिनके साथ काम करता हूं, टोटल कंपनी की बात करें तो हमारी पूरी टीम है। यस जानो, आज 150 ऑडी मर्सिडीज जगवार बीएमडब्ल्यू पोर्शे जैसे ब्रांड कहीं है तो सर हमारे साथ है। या नहीं? जो व्यक्ति खुद करोड़पति नहीं बन सकता था, जिसके खानदान में कोई सोच नहीं सकता था, आप जानकर ये बात हैरान हो जाएंगे कि जिस दिन 18वां बर्थडे हम मनाए, 11 साल है इतने, और हर वीक में 3 करोड़पति बनते हैं। आज 11 साल बाद की मैं कल्पना करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे हाथों से पता नहीं कितने हजार लोगों के गले में करोड़पति का पट्टा डालने का सौभाग्य मुझे मिलेगा। जो खुद करोड़पति नहीं बन सकता था, आज वो करोड़पति मेकर बन चुका है, करोड़पति बनाने वाला बन चुका है। ये 7 जन्मों का पुण्य नहीं है तो और क्या है? समझ सकते हैं आप? आप अपनी वैल्यू समझें दोस्त, आपसे ज्यादा यूनिक इस दुनिया में कोई नहीं है, समझ रहे? आप आने वाले जैसे आप और मुझ में क्या फर्क है? अंग्रेजी बोल रहा हूं क्या मैं? दूसरे प्लैनेट से आया हूं? कान बड़े क्या मेरे? जीभ बाहर आती है? आप जैसा ही तो हूं। फर्क सिर्फ इतना है मैं 7 साल पहले आया था, आप 7 महीने पहले आए, 7 दिन पहले आए। यस, इसके अलावा क्या फर्क है? सरकारी स्कूल से 12 पास हूं मैं यार, आप भी 12 पास तो होंगी, और पास हो या ना हो मैं कौन सा यहां मैथ पढ़ा रहा हूं यार, हिंदी में बात कर रहा हूं, जो मेरी बात है वैसे ही चल लेना। यस जानो, ज्यादातर लोग तो इसी बात से परेशान है, और ऐसा कर तो लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे? अब लोग क्या सोचेंगे इस बात को भी हम ही सोचे, फिर लोग क्या सोचेंगे? अरे उनके लिए कुछ तो छोड़ो, अगर सारे का ठेका तुमने ले रखा है, है? अच्छा जमाना किसके बारे में सोचता है जो कुछ कर रहा होता? निकम्मों के बारे में कोई नहीं सोचता, ताश खेलने वालों के बारे में कोई सोचेगा क्या? तमाकू खाने वाला बेकार आदमी का छोड़ यार। यस, अपनी आदत है ठीक करनी, तब हम बढ़ेंगे। तो आज से हमारे अंदर विटामिन भी कूट कूट के भरनी चाहिए। कूट कूट के मतलब आपको जो भी बंदा सामने चलता हुआ दिख जाए तो आपके दिमाग में आना चाहिए डीडी जा रही है मेरी 16,000 रुपए की। यस, देगा या तुम सही तरह से समझाने में कामयाब हुए तो पक्का डीडी देगा। कोई भी व्यक्ति, आपका मानना है कि हमारे देश में सबसे ज्यादा नेगेटिविटी है, मानते या नहीं मानते? अरे ज्यादातर लोग नेगेटिव हैं। आप कौन से पहली बार में आए हो? पहली बार में आए हो क्या हम में से कोई? बहुत फॉलो किए होंगे तब जाके लोग हमारे साथ आए हैं। यस, ये सबसे वीक पॉइंट आपको लगता है लेकिन मेरे लिए सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। जितना ज्यादा समाज नेगेटिव होता है उतना ही ज्यादा पैसा कमाने का ऑप्शन होता है। लोग नाराज क्यों हैं?
आप बताओ नाराज क्यों है? आप भी नाराज होंगे या नहीं होंगे? आपने पहली बार में सोना जाती है क्या? नहीं। क्यों क्यों नहीं दिया आपने? आप बताओ क्यों नहीं दिए? फिर क्यों दिए आपने? समझ में आ गया सर भाई। आप भी तो उसी समाज में थे, सोच के देखो आप। जैसे आपने पहली बार नहीं दिया क्योंकि आपके माइंड में किसी ने गलत डाल रखा था कि ये जोड़ने वाली कंपनी होती है, फंसाने वाली होती है, चैन सिस्टम होता है, इनमें कुछ नहीं होता, कोई कैरियर नहीं होता, भाग जाती हैं, ये ऐसी बेवकूफ बनाते, चिकनी चुपड़ी बात करते, ये बातें सब आपके दिमाग में भी थी या नहीं थी? Yes. आज है क्या? No. ये किससे खत्म हुई? हकीकत से। यस yes? Yes. दुनिया के किसी भी नेगेटिव व्यक्ति के सामने आप प्रमाण रख देना पॉजिटिव हो जाता है, होता या नहीं होता? इसलिए जितने ज्यादा नेगेटिव हैं उतना ही बड़ा फायदा है। जितने पॉजिटिव हो गए ना भाई साहब, धंधा खत्म हो जाएगा। मानो पॉजिटिव हो गए सारे को, मैं आया प्रभु सर, मैं कंपनी लाया था प्रभु सर आपके लिए। प्रभु सर कहते मैं तो पैसे ज्वाइन हूं सर, मेरे साथ पैसा बोले गए नहीं। मैं आया सैनी सर कंपनी लाया था मैं आपके लिए, बोला सर मैं तो पहले से ज्वाइन हूं। मैं आप सबके पास आऊं और आप सब ज्वाइन मिले तो सर कोई ऑप्शन होगा क्या ज्वाइन कराने का? आज नौकरी के सब पॉजिटिव है, मिलती है क्या? नहीं। अरे मिलती है क्या? नहीं। बड़ी मुश्किल से मिलती है। यस yes? yes. आज ही मौका है, डरना नहीं। और एक चीज अपने मन में कभी लाना नहीं। बहुत सारे लोगों को यह घमंड हो जाता है कि यार मैं काम करता हूं तब तो अपलाइन कमाता है। क्यों सर? बहुतों को होता है घमंड। ये ऐसे होता है जैसे एक बच्चा अपने बाप से आके कहे पापा मैंने आपको पापा बना दिया है। बाप बड़ा बाप गुस्सा नहीं होता, क्यों जानता बच्चा है। वो कहता अच्छा बेटा बना दिया, हाँ आ जा बैठ। अपने बाहर बिठाता है और बताता है बेटा सुन, आज से 10-15 साल पहले जब मैं काबिल हो गया था तब तेरा नाना आया था तेरी मम्मी की शादी करने मुझसे। यस यस शादी करने आया था तेरी मम्मी और हम साथ में रहते तो तू पैदा हुआ, और जब तू पैदा हुआ था ना तो तू बोलना जानता था, ना चलना जानता था, ना खाना जानता था, ना पहनना जानता था, तू कुछ नहीं जानता था। तुझे ये सब कुछ किसने सिखाया बेटा? बापू ने, माँ ने, यस या नो? आज तू 6 साल का होगा, बोलना भी नहीं आता था तुझे, तो तेने बोलना भी नकल करके सीखा हमसे, किताब पढ़ के नहीं सीखा। माँ कहती थी बोल बेटा, माँ माँ होठों को देख के बोलना सीखा है हमने नकल करके। यस yes. चलना भी हमने नकल करके सीखा है। भाई माँ बाप चल रहे होते हैं, बच्चे को क्यूरियस में ये चलना मैं क्यों चल सकता, खड़ा होता है गिर जाता है, खड़ा होता है गिर जाता है, किताब पढ़ रहा था या नकल कर रहा था? यस yes. और तू बच्चा बोलना सिखा दिया मैंने तो तू आज कहता है मैंने तुझे पापा बना दिया। बेटा मैंने तुझे पैदा किया है, मैं तेरे जैसे 50 नहीं 500 पैदा कर सकता हूं, मैं तेरा बाप हूं। मुझसे कह रहा मैंने मेरी वजह से कहा भाई तेरे जैसे पता नहीं, उसे ये घमंड हो जाता है कि भाई साहब अब तो रॉ मेटेरियल आना बंद हो गया, हमें डर ही नहीं लगता नेटवर्क मार्केटिंग में, क्योंकि दर्द तब लगना चाहिए ना कच्चा माल आना बंद हो जाए। कच्चा माल क्या हमारा नेटवर्क मार्केटिंग में? बच्चे पैदा होना, 1 सेकंड में 56 बच्चे पैदा होते, 140 करोड़ की आबादी है भाई साहब, पैदा कोई और कर रहा काम हमारे आते। हाँ जी डर लगना चाहिए क्या? अरे लगना चाहिए। आने वाले समय में कॉलेजों के मतलब मार्केटिंग की डिग्री किए हुए बच्चे आपके नीचे ज्वाइन होंगे, मेरा भरोसा करो। जब 12 पास आदमी ने एमबीए और उनको पढ़ाई की होगी मैं पढ़ा रहा हूंगा
यस। पढ़ाने के लिए डिग्री जरूरी नहीं होती, पढ़ाने के लिए सक्सेस जरूरी होती है। लालू प्रसाद यादव जिसका खुद का बच्चा नाइन्थ पहले आया में अहमदाबाद में फाइनेंस का पार्ट पढ़ा गया था जब वो रेल मंत्री था,